हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्लास है आज आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए, जिसमें कि आपकी एक क्लास हो चुकी थी और ये आज आपकी सेकंड क्लास है, जिसमें कि हमारे 21 क्वेश्चन हमारा आज है और पिछली क्लास में आपके 20 क्वेश्चन कवर हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपकी है 21 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IAS देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द थिकनेस एंड हाइट ऑफ द लाइन ऑफ द लेटर फॉर ए टाइप लेटरिंग। क्या पूछा है? IAS के अनुसार ए प्रकार के अक्षराक्षर करने के लिए अक्षर की लाइन की मोटाई और ऊंचाई में संबंध क्या है? तो ऊंचाई में और लंबाई में क्या संबंध होता है, यहाँ पर आपसे पूछा है। सॉरी, मोटाई में और ऊंचाई में, ठीक है, यानी कि थिकनेस और आपकी आपकी क्या होती है, हाइट। तो ये आपसे पूछा है। तो ये होता है आपका डी इज इक्वल टू एच अपॉन 14, यानी कि थिकनेस इज इक्वल टू हाइट अपॉन 14। यहाँ आपका करेक्ट आंसर जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 22। पूछा है कि व्हाट इज द वे ऑफ लेटरिंग फॉर द लेटर्स टू बी स्लैंटेड। सभी अक्षरों के झुके हुए होने के लिए अक्षरांकन कौन सा तरीका है? अक्षरांकन कौन सा तरीका है? अक्षर यदि झुके हुए हैं तो उनके झुके होने का अक्षरांकन का कौन सा तरीका है? तो ये होता है आपका इटैलिक। आपने जब फॉन्ट देखा होगा, फॉन्ट में आप वर्ड चेंज करते हैं तो उसमें आता है आपका इटैलिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका कि आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ द लेटर ब्लो। नीचे दिए गए अक्षर के स्टाइल को पहचानिए। नीचे दिए गए अक्षर का स्टाइल क्या है? तो ये है आपका रोमन। भाई ये जो है आपका, ये रोमन अक्षर है, तो सी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है डियर आपका 24। पूछा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ हाइट एंड विड्थ ऑफ लेटर इज लेटरिंग, यानी कि अक्षर में अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई का मानक अनुपात क्या है? ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये इसको गलत मत समझ लेना, ठीक है, इसको बोल के देखना, लेटरिंग ही होता है, लेटर लेटर इंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 24। पूछा है आपसे वी इसका जो राइट आंसर जाएगा, अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई का जो अनुपात होता है, ये होता है 7:4। 7:4, इट मीन्स बी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अपने फ्रेंड्स में क्लास को शेयर जरूर कर दें। डियर पूछा है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इटैलिक टाइप इनक्लाइनेट लेटर्स, यानी कि इटैलिक प्रकार के झुके हुए अक्षरों का क्या कोण होता है? जो इटैलिक वर्ड्स होते हैं उसका जो झुके हुए अक्षर होते हैं, झुके हुए, उन झुके हुए अक्षरों का जो कोण होता है वो कितना होता है, ये आपसे पूछा है। तो ये होता है डियर आपका 75 डिग्री। 75 डिग्री, इट मीन्स ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है हमारे पास 26, जिसमें पूछा है कि आइडेंटिफाई द एरो हेड शो इन द डायग्राम, की रेखा चित्र में दिखाए गए तीर नोक को पहचाने। भाई ये आपको पहचानना है किस प्रकार का तीर नोक है। तो ये क्या है आपका, जो आपकी ओवलिक एरो हेड है, ये आपका ओवलिक एरो हेड कहलाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ आपको राइट आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे पास 27। पूछा है आइडेंटिफाई द लाइन वी। वी लाइन ढूंढिए यहाँ पर, किधर है ये वाली, ठीक है, ये है आपकी वी लाइन। तो ये क्या बता रही है, आपकी वी लाइन को पहचानना है किस प्रकार की लाइन है। तो ये है आपकी डायमेंशन लाइन, ये है आपकी डायमेंशन लाइन, ध्यान रखेंगे आयाम रेखा। ठीक है, इसका हिंदी नाम नहीं आपको पता होगा तो आज पता लग गया, आयाम रेखा। चलिए क्वेश्चन है आपका कि इन ए टाइप लेटरिंग द विड्थ ऑफ द लेटर इज कैप्ट, यानी कि ए प्रकार के अक्षरांकन में W अक्षर की चौड़ाई कितनी रखी जाती है।
तो जो डब्लू अक्षर आपका होता है इसकी चौड़ाई कितनी होती है ये आपसे पूछा है, तो ये होती है आपकी 10 टी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन आ जाता है आपका 29, जिसमें पूछा है आपसे कि इन डायमेंशन द सिंबल फाइव रिप्रेजेंट, किसके लिए ये दर्शाया जाता है, ये फाइव। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका वृत्त के व्यास के लिए इसको डिनोट किया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लीडर लाइन, लीडर लाइन का झुकाव कोण कितना होता है, जो लीडर लाइन आपकी होती है उसका झुकाव कोण होता है आपका 45 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके पास 31, पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट एंड विड्थ ऑफ द लेटर्स इन रोमन लेटरिंग, यानी कि रोमन अक्षरांकन में अक्षरों की चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात कितना होता है। रोमन अक्षरांकन में अक्षरों की ऊंचाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो ये होता है आपका 7:6, 7:6, सी ऑप्शन राइट आंसर आपका जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड हाइट ऑफ द एरो हेड ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ लाइन, यानी कि विमांकन रेखा के सिरों पर बने तीर की लंबाई व ऊंचाई का अनुपात क्या है, जो इस प्रकार से हम तीर बनाते हैं तो इसकी ऊंचाई और लंबाई कितनी होती है, इसका अनुपात आपसे पूछा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ना इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर आपको डायग्राम बनाने को आ जाए ना, पहली बात मतलब कि आपको डायग्राम आप बनाने के लिए नहीं आता, 2 साल पहले डायग्राम बनाने को आते थे और बहुत ही हार्ड ड्राइंग आपकी होती थी। मैं कहती हूँ कि उस टाइम यदि आप पढ़े होते तो आपको थोड़ी टेंशन होती ड्राइंग की, अब आपको टेंशन नहीं है ड्राइंग की उस टाइम के मुकाबले। ठीक है, जब हमने आईटीआई की थी तो हमें सिंबल्स बनाने के लिए आते थे और ड्राइंग बनाने के लिए आती थी, तो जिसमें कि हमें ध्यान रखना होता था कि इसकी लंबाई और ऊंचाई कितनी रखनी है, उसमें ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 3:1 आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ आपका जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा आता है 33, जिसमें पूछा है आपसे कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, द एवव स्टेटमेंट सो, यानी कि उपरोक्त कथन दर्शाता है डायमेंशन डायामीटर यूनिट ऑफ डायमेंशन साइज ऑफ सीट, तो ये क्या होगा आपका जो आपकी mm है ये आपका यूनिट ऑफ डायमेंशन यहाँ पर राइट आंसर आपका चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है आपके पास डायमेंशन से सो वाई द एरो इन द फिगर इज, भाई ये वाला जो एरो आपको बता रहा है ये किस प्रकार की डायमेंशन को बता रहा है, तो ये क्या बता रहा है आपका व्यास को बता रहा है, यानी कि डायामीटर को यहाँ पर बता रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आता है आपका 35, पूछा है कि इन विच स्केल द लेटर्स सोइंग टॉलरेंस आर रिटन इज लेटरिंग, यानी कि अक्षरांकन में सहिष्णुता टॉलरेंस को दर्शाने वाले अक्षर किस माप में लिखे जाते हैं, जो टॉलरेंस को दर्शाने वाले अक्षर होते हैं वो किस माप में लिखे जाते हैं, तो ये mm में लिखे जाते हैं, यानी कि 2 से 3, 2 से 3 mm यहाँ राइट आंसर आपको जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ जाता है 36, पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द अल्फाबेट बी नंबर्ड, अक्षरांकन कितने तरीकों से कर सकते हैं, अक्षरांकन कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो ये हम 4 टाइप से कर सकते हैं, सो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है कि इन ए टाइप लेटरिंग द विड्थ ऑफ द लेटर इज कैप्ड एज डी फॉर कैपिटल लेटर्स सी ई एफ
डी लाइन थिकनेस, यानी कि ए प्रकार के अक्षरों में बड़े अक्षर सी ई एफ के लिए अक्षर की चौड़ाई डी के रूप में रखी जाती है, तो डी की मोटाई कितनी होगी, यानी कि जो अक्षर की चौड़ाई है वो हम डी के रूप में रखते हैं तो कितने डी उसकी चौड़ाई हम रखेंगे, तो ये रखेंगे हम 6D। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है आपके पास 38, पूछा है आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ द लेटर बिलो, नीचे दिए गए अक्षरों का स्टाइल पहचानिए, नीचे दिए गए अक्षरों का स्टाइल पहचानिए, तो ये किस प्रकार का आ जाएगा टेक्स्ट, यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 39, पूछा है कि इन हाउ मैनी वेज कैन द गोथिक अल्फाबेट बी नंबर्ड, गोथिक अक्षरांकन में कितने प्रकार से कर सकते हैं, गोथिक अक्षरांकन कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो ये 2 टाइप से किया जा सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन एंड स्टोक हेड एंड ब्लेड इन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर आपने देखा होगा वर्कशॉप में, यदि आपने देखा होगा तो ये किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, टी स्क्वायर, तो इसमें क्या है आपका टी स्क्वायर में स्टोक और सिरा जो होता है और ब्लेड के बीच का कोण कितना होता है, ये आपसे पूछा है। ठीक, तो भाई जब इस तरह से होगा, आपने देखा होगा यदि हम इसको इस तरह से कर दें तो ये कितना बनना है 90 डिग्री, राइट, तो यहाँ पर 90 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा, डी ऑप्शन। तो डियर आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जल्द ही तैयारी को बेहतर बनाए रखें, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, वेबसाइट पर मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं तो वहाँ आप अपने मॉक टेस्ट लगाते रहिए, यदि कोई परेशानी आपको मिल आती है तो आप हमसे टेलीग्राम पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए।